नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, और इस खास पेशकश में बात होगी विराट कोहली को मिले सम्मान की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे अवार्ड फंक्शन में क्रिस गेल और गब्बर यानी कि शिखर धवन ने की मस्ती। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अजिंक्य रहाणे का प्लान क्या है। लेकिन सबसे पहले बात धोनी की करेंगे, और धोनी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज। उनके साथ हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके की बल्लेबाजी सीजन 11 में दिखाई है, उससे ऐसा लग रहा है कि पुराना धोनी लौट आया है, और शायद ये धोनी मिशन 2019 के लिए टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो संजीवनी साबित हो सकता है। तो महेंद्र सिंह धोनी का एक अलग ही अंदाज, यानी कि जो पुराना अंदाज उनका कहा जाता था, वो इस बार सीजन 11 में दिखाई दिया। और अमित भाई, क्या एक ग्लिम्स है, क्या एक झलक है कि महेंद्र सिंह धोनी की जो बाकी की क्रिकेट है, चाहे 2019 वर्ल्ड कप तक वो खेले, इसी अंदाज में वो क्रिकेट खेलेंगे कि आएंगे सेट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बल्कि छक्के चौकों की बरसात स्टार्ट कर देंगे। देखिए, जिस तरह से धोनी खेले हैं, सबको डिफरेंट धोनी नजर आए, पर ऐसा कुछ नहीं है। धोनी सेम है, खाली बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ। पहले क्या होता था, चेन्नई के अंदर आपको रोल दिया था 6 या 7 नंबर का, अब क्या वो रोल चला गया ब्रावो के पास, धोनी आए ऊपर, तो खाली ये चेंज हुआ है, चेंज ऑफ गार्ड हुआ। अगर तो ये टीम इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्या विराट कोहली ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने एक मैच में आपको याद होगा धोनी को नंबर 4 पे ही खिलाया था। देखिए, डिपेंड करता है, अगर आपके पास कैसा प्लेयर है वहाँ पे उसको खिलाते नहीं खिलाते, ये डिपेंड करता है। अगर प्लेयर नहीं होगा उस जगह पे तो फिर धोनी उसी जगह पे खेलेंगे, विराट कोहली उनको वहीं खिलाएंगे, क्योंकि केदार यादव जब तक फिट होकर नहीं आते, आप राइडू वापस आए, किस तरह से आपका मध्यक्रम बनता है, अजिंक्य ड्रॉप हो गए हैं, तो आपके अभी तक म्यूजिकल चेल चल रहे हैं, मनीष पांडे भी नहीं है टीम में, तो पता नहीं है कि आप जो 4 और 5 नंबर ढूंढ रहे हैं वो किस प्लेयर में ढूंढ रहे हैं, तो उसके बाद ही धोनी का बैटिंग ऑर्डर डिसाइड होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन एक डिफरेंट धोनी कह सकते हैं या पुराने धोनी तो इस वक्त नजर आए ना अमित भाई, क्योंकि पहले महेंद्र सिंह धोनी जितनी भी क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें आलोचकों ने भी उनके ऊपर सवाल उठाए थे, उसमें धोनी सेट हो रहे थे, लास्ट तक मैच को ले जाते थे, लेकिन इस आईपीएल की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, ऐसा महेंद्र सिंह धोनी ने प्रयास नहीं किया, वो आए और हिटिंग शुरू। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब धोनी बैटिंग करने आए, सबसे बड़ा मैं जो मुझको पता चला है कि हसी ने बहुत वर्क किया उनके साथ जी, उनके साथ कैसे आपको बॉल पिक करनी, क्योंकि हसी इतने साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं और उसी क्रम में खेले हैं जहाँ धोनी खेल रहे हैं, तो शायद कई चीज़ें आप जब शेयर करते हैं कि आप क्या मिस कर रहे हैं, शायद धोनी के अंदर जो उनकी जो मिसिंग हो रही थी, टाइमिंग मिस हो रहा था या बॉल पिक नहीं कर पाते, शायद हसी ने उनके साथ वर्क किया, और इसलिए धोनी आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक पोस्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको बता सके आप यहाँ गलती कर रहे हो, अगर आपकी गलतियाँ टाइम पर बता देंगे तो आप इंप्रूव कर सकते हो, अगर आप सोचो कि सीरीज़ के बीच में किसी को इंप्रूव करा दो वो मुश्किल होता है। और अच्छी चीज़ ये भी अमित भाई कि विराट की भी काफ़ी टेंशन दूर हुई होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मुकाबले देखे जिसमें लास्ट तक मैच गया, कई मैचेस धोनी ने फिनिश किए, कई मैच वो फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस आईपीएल में जिस तरीके की बल्लेबाजी, बेशक T20 फॉर्मेट है, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी की, उसकी जरूर हेल्प वनडे क्रिकेट में भी मिलेगी, और 2019 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात विराट कोहली की भी कर लेते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस 2017 में शानदार रही, 18 में भी अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली, आईपीएल में ज्यादा बल्ला नहीं चला, लेकिन जितना चला अपनी टीम को कुछ मुकाबले उन्होंने जिताए, और इसी के साथ विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड भी मिला है। वैसे विराट कोहली ने सीजन 11 की शुरुआत में कहा था कि वो अपनी टीम को खिताब जितवाना चाहते हैं, लेकिन अमित भाई, खिताब नहीं जीता, लेकिन ये शायद एक कॉन्सोलेशन हो सकता है कि अवार्ड मिला है सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। देखिए, अवार्ड्स तो मिलते रहेंगे, अवार्ड्स के इतने कुछ नहीं है, क्या चीज चाहिए, वर्ल्ड कप जी, तो जो वर्ल्ड कप पे हाथ कप्तान रखता है, वर्ल्ड कप तो उनके पास दो है, वैसे अंडर 19 भी जीता है, 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम में भी थे। देखिए, जो वर्ल्ड कप धोनी ने जीता है, जो कपिल देव जी ने जीता है, ये माने रखता है, क्योंकि ठीक है आप अंडर 19 एक ऐसा स्टेज है जहाँ आपको सीनियर टीम में जाने का मौका मिलता है, पर बात वही है रवीश कि जब वर्ल्ड कप हाथ में उठाता है ना कप्तान, वो अलग ही फीलिंग होती है, शायद ये फीलिंग विराट अपने हाथ में जरूर चाहेंगे, क्योंकि हर कप्तान का सपना होता है कि वर्ल्ड कप अपने हाथ में उठाऊं, एज ए टीम के साथ जरूर उठाए, पर एज ए कैप्टन उठाना एक मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, और 2019 में कप्तान होंगे विराट कोहली, तो वहाँ पे उनके पास पूरा मौका होगा, चैंपियंस ट्रॉफी तो हाथ में आई थी वो निकल गई, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के पास मौका होगा। अमित भाई, रहाणे तो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उनका कह रहे हैं कि टेस्ट मैच में मेरे को फोकस करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, टेस्ट मैचेस में मैं ज़्यादा रन बनाऊंगा तो वनडे टीम में मैं आ जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि टेस्ट से भी, क्योंकि उन्होंने अपना स्थान गवाया था रोहित शर्मा के लिए, आपको लगता है कि सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अफगानिस्तान टेस्ट मैच एंड देन इंग्लैंड सीरीज? देखिए, हर प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप टीम की बात करें, आप स्लॉट्स इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि आपको अपनी जगह बचाना मुश्किल हो रहा है, बेशक आप मैं अजिंक्य की बात नहीं करूंगा, मैं KL राहुल की भी बात करूंगा, मैं मुरली विजय की बात करूंगा, जिन्होंने इतने शतक लगाए उसके बाद भी बाहर बैठे हैं जी। अब फाइट जब ऐसे हो जाती है, एक ऐसा प्लेयर 300 करके बाहर बैठा करुण नायर, वो जो साउथ अफ्रीका स्क्वाड में भी नहीं गया, तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन चीज़ में उठ के आई हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी जगह बचानी है तो परफॉर्मेंस कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बेंचमार्क बन चुका है,
वहाँ ये नहीं, पर लेकिन कितना अजिंक्य के साथ थोड़ा मानूंगा, इनके साथ थोड़ा अनफेयर रहा है क्योंकि कई जगह ऐसी हो गई। साउथ अफ्रीका में आपने पहले रोहित शर्मा को ट्राई किया, उसके बाद आप लेके आए। श्रीलंका में भी हुआ, जब ये पांच नंबर में शतक लगाया तो रोहित शर्मा को खिलाया तो इनको तीन नंबर कर दिया, वहाँ उन्होंने जरूर शतक लगाया। पर कई चीजें ऐसी हुई है, पर वही बात है जो प्लेयर एक बार ऐसे में मानता हूँ कि कई बार आपने देखो राहुल द्रविड़ को वनडे टीम से इसलिए ड्रॉप किया था कि स्लो खेलते, बट जब वो वापस आए तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि सबने देखा, शायद अजिंक्य रहाणे भी उसी तरीके से वापसी करो और अच्छे रिकॉर्ड बनाए। लेकिन क्या वनडे टीम में इतने स्पेसेस हैं? क्योंकि देखिए लोकेश राहुल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और सबसे बड़ी बात कि वनडे सीरीज इंग्लैंड में पहले है, तो ये अगर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस करेंगे तो बाद की सीरीज के लिए अपना दावा ठोकेंगे। रवीश, मैंने अभी भी यही बात बोलता हूँ कि अभी भी स्लॉट खाली पड़े हैं, के एल राहुल के आने से स्लॉट भरने गया, जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे उस नंबर पे तो जगह भरी जाती है। विदाउट परफॉर्मेंस कोई भी आता रहे, कोई भी जाता रहे, वो स्लॉट नहीं भरा जाएगा। हम उसी स्लॉट को इतने टाइम से देख रहे हैं, अभी तक आपका चार नंबर और छः नंबर खाली दिखा नजर है, तभी आप तीन नंबर पे हमेशा विराट कोहली को, पाँच नंबर पे धोनी को देखते हैं। जी हाँ, तो बहुत सारे स्पेसेस हैं जैसा कि अमित भाई कह रहे हैं, और वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो वहाँ पे आप उस जगह को भर भी सकेंगे।